जैसे जैसे लोकसभा चुनावों में मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि क्या इस बार देश में जो नारा सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार, क्या वो पूरा होगा या इंडिया गठबंधन के तहत आने वाली राजनीतिक पार्टियां मोदी के इस सपने को तोड़ सकती हैं, क्या कुछ रहने वाला है देश में होने वाले लोकसभा चुनावों में, और इस बार क्या राजस्थान में पिछले 10 सालों से बीजेपी जो इतिहास बनाती आ रही है 25 में से 25 सीटें जीतने का, क्या इस बार वो इतिहास टूटेगा। इन तमाम चर्चाओं पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित व्यास जी। अमित व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, लोकसभा चुनाव दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उनकी नाम वापसी के बाद अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, इस बार के लोकसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये चुनाव 2 महीने में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो सपना बीजेपी देख रही है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यों को संपन्न किया, उन कार्यों की सफलता की मापदंड पर और राम मंदिर का मुद्दा, 370 धारा का लागू होना, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होना और विशेष रूप से जो एक डेवलपमेंट आधारभूत संरचना के रूप में देखने को मिल रहा है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंट बना चुकी हैं जिसके आधार पर उनको लगता है कि इस बार वो 400 पार वाली स्थिति में आ पाएंगे। तो ये तो बात है बीजेपी को अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने की। अब आती है बात बीजेपी के साथ साथ में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन लड़ने जा रही है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रही है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब पार्टियां विचारधारा को लेकर चलती हैं तब तो निश्चित रूप से माना जाता है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ तो रही है लेकिन अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ऊहापोह की स्थिति उन्होंने एलायंस के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी एक किसी ज़माने में किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी जिसको इंडिया के रूप में अलायंस करना पड़ेगा और अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस समय पर कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाली इलेक्शन है और वहीं बीजेपी के अपने सपने को पूरा करने का एक सपना है जिसको पूरा करने के लिए प्रयास हैं या प्रयासरत हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे जो दल हैं जिनकी राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की जो लहर है वो चल तो रही है लेकिन वो भी अदरजूल में, यानी वो चल किसके भरोसे रही है, सहयोगी पार्टियों के रूप में। तो जब तक लोकतंत्र में प्रभावशीलता लाने के लिए सहयोगी दल वाली व्यवस्था खत्म करना आवश्यक है, अन्यथा लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जो कि कांग्रेस कर रही है। मतलब इस चुनाव को इस रूप में देखें कि इंडिया जीतना नहीं चाहती, इंडिया गठबंधन है वो जीतने ही ना चाहता, वो सिर्फ मोदी के सपने को तोड़ना चाहता है कि वो 400 पार ना चले जाएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैंने कहा ना कि एक तो अस्तित्व की लड़ाई होती है, एक होती है विचारधारा की लड़ाई, और एक तीसरी लड़ाई हो गई है कि किसी भी तरीके से भविष्य के गर्भ में अगर बीजेपी कहीं ना कहीं 400 पार करती है तो ये मान के चलना कि बहुत सारे जो लोकल पार्टियां हैं उनकी पॉलिटिकल डेथ तो होनी तय है। मगर जिस परिवारवाद के आधार पर कांग्रेस आज अस्तित्व में बनी हुई है, आज परिवार के परिवारवाद का ख़त्म होने का सवाल तो पैदा हो ही रहा है लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान के घेरे में आ चुका है। तो ये बहुत सारी, ये लोकसभा का चुनाव ये हमारी जनता के लिए नहीं है बल्कि पूरे संपूर्ण लोकतंत्र के लिए और ख़ासतौर पर पूरे विश्व की निगाह हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हुई है कि मोदी जी को जिस प्रकार से बाहर रिकॉग्निशन मिलती है और हिंदुस्तान में उन्हें तानाशाह कहा जाता है, तो एक तानाशाह और एक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बीजेपी लड़ाई कर रही है और उधर कांग्रेस और जो अलायंस है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से सभी लोग बाग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए दिखलाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बीजेपी ये द्वारा जो बात कही जा रही है वो सही है लेकिन जिस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हो पा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सपा बसपा, कांग्रेस और बाकी के जो छोटी मोटी लोकल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं, और फिर आप जानते हो कि आप आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पैदा हुई थी या यूँ कह लीजिए अस्तित्व में आई थी, और आज स्थिति यह है कि उसके अधिकांश मंत्री क्या हैं,
गिरफ्तार हो चुके हैं या उन पर सीबीआई की कार्यवाही हो रखी है या ईडी की कार्यवाही हो रखी है। तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए बहुत ही हास्यास्पद स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर है कि ये घटना कहीं ना कहीं आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक स्वर्णिम युग कहलाने वाली स्थिति में 2024 कहलाएगा। चलिए, यहाँ अपन ने पूरे देश की बात की, अब बात करते हैं राजस्थान की। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार राजस्थान में चुनावी समीकरण थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, क्या है कि राजस्थान में जो सरकारें बनती हैं, खास तौर पर जब राजस्थान सरकार बनती है, तो वहाँ पर यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो हावी हो जाती हैं, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पर देश की जो समस्याएं हैं उनको लेके बात की जाती है। तो चूंकि पिछले दो इलेक्शंस में 25 में से 25 सीटें आने का कारण था, उस समय पर मोदी का चेहरा और मोदी के द्वारा किए गए कार्य कहीं ना कहीं लोगों के जहन में थे, और लोकल जो समस्याएं थी वो गौण हो गई थी। जबकि वास्तविकता ये होती है कि विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे हावी होते हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर देश हित वाले मुद्दे लागू होते हैं। जबकि राजस्थान ही एक ऐसा अछूता प्रदेश है जहाँ पर उल्टी कहानी होती है, यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे हावी होने लग जाते हैं, अर्थात वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की इमेज कहीं ना कहीं उसके लिए रोल प्ले करती है। अब देखिए, अब इस बार पिछली बार 25 सीटें मिली और इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं तो सीटें कहीं ना कहीं 21-22 पे आके अटक रही हैं। ये जो 3 सीटों का नुकसान हो रहा है उसमें मोदी के चेहरे की वजह से नहीं होगा है, ये अगर नुकसान होता है तो निश्चित मान के चलिए कि जो संबंधित जिले का व्यक्ति जिसको MP की टिकट मिली है उसकी इमेज क्या है और उसका क्या हमारे जिले में कार्य किया गया है या अपने उस संसदीय इलाके में कार्य किया किया गया, तो कहीं ना कहीं वो मूल्यांकन भी लोगों की नज़र में ध्यान में रहेगा। तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव राजस्थान और इधर कर लीजिए अपना पूरा हिंदुस्तान, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति के लिए बहुत सीखने योग्य मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान में विकास की संभावनाएं अभी बाकी हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर ने 2-3 सीटों की बात की, उन सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं। पहली सीट को चूरू के रूप में मैं देखना चाहूँगा, देवेंद्र झांझड़िया, राहुल कस्बा। राहुल कस्बा बीजेपी से भागे हुए हैं, बीजेपी ने देवेंद्र झांझड़िया एक युवा किसान पुत्र पर भरोसा जताया है, उस सीट को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अगर वहाँ चूरू के जो लोग बाग हैं, क्योंकि चूरू एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक विपदाओं का शिकार तो है, क्योंकि वहाँ एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पानी की उपलब्धता कम है, और जहाँ तक सवाल है किसानों का, तो वहाँ पर किसानों को भी उतना कोई खास लाभ न तो देश के मामले में नहीं मिली है और न ही राज्य स्तर पर कहीं कोई बेनिफिट उनको मिला है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की जो इमेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिस प्रकार से अभी इनोवेशन किया है राजनीति में मोदी सरकार ने, कि नए नए चेहरों को आगे लाने का जो एक नया नव प्रवर्तन किया है, वो काफ़ी कुछ कारगर सिद्ध भी हुआ है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं उसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दे दी गई है, मगर राहुल कस्बा का जो राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी मजबूत है। पर चूंकि वो भागी हुए हैं, इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं उनको वो मान्यता बीजेपी में नहीं दी जा रही थी, इसलिए उन्होंने बागी स्वर अपनाए और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का दामन थामा। तो निश्चित बात है कि ये जो सीट है वो काफ़ी कुछ चिंता का विषय बीजेपी के लिए रहेगी और कांग्रेस की नज़र उस पर रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक सीट भी अगर हम कम करते हैं किसी भी जगह से तो कहीं ना कहीं मोदी जी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। बोलने के लिए तो पर्याप्त है, टक्कर तो नहीं दी जा सकती है, और बोलने के मामले में आप जानते हो कि न तो बीजेपी कम है और न कांग्रेस कम है, हर आदमी किसी न किसी मुद्दे विशेष पर मौके की तलाश में रहता है कि किस बात पर कौन सी बात तरीके से प्रेजेंट की जाए। चूरू की हमने बात की, बाड़मेर एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कैलाश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी। ये काफ़ी दिलचस्प सीट है देखी जाए तो राजस्थान की। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब घर में ही कोई व्यक्ति का कद बढ़ जाता है तो घर का जो मुखिया होता है उसको बढ़ता हुआ व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उसके लिए खतरे का निशान नहीं बने, तो ऐसी स्थिति में कई बार डमी कैंडिडेट को खड़ा करके उसका खुमारी उतारी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तेज़ी से वो मार्केट में उभरे हैं
और जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में उनका नाम, जैसे पहले किसी ज़माने में हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, कुछ ऐसी ही कदकांठी और इस प्रकार की भाषा के साथ में व्यक्ति उपस्थित हुआ है। हालांकि युवा है, कोई दाग धब्बा अगले पर लगा हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जातिगत वोटों का सपोर्ट ज़रूर है उस व्यक्ति को, मगर बेदाग छवि होने की वजह से उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा लंबा सफ़र दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, ये तीन उम्मीदवार ऐसे हैं, तीनों के तीनों ही लगभग वहाँ की राजनीति के हिसाब से बेदाग हैं, और बेदाग व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा होने की स्थिति तभी पैदा होती है जब बेदाग पारी खेली जाती है। और एक तरफ बेदाग वाला व्यक्ति है, एक दागदार आदमी है, तो लोगों को कहने सुनने के लिए मिल जाता है कि इस व्यक्ति को हम वोट देंगे या नहीं देंगे। बात करेंगे नागौर सीट की। हनुमान बेनीवाल ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ज्योति मिर्धा के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं, कभी वो संविधान को पलटने की बात कहती हैं तो कभी जातिगत बयान भी काफ़ी ज़्यादा उनके चर्चाओं में है। ऐसे में आपको लगता है कि नागौर की सीट को हॉट सीट की श्रेणी में रखा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से ये हॉट सीट इसलिए भी होने वाली है। देखिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, ये इसके तो पक्ष में मैं भी हूँ, क्योंकि संविधान में संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लोकतंत्र को सही तरीके से बचाए रख पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस समय पर संविधान की संरचना की गई थी, हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में वो संविधान अच्छा रहा होगा, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों या सामाजिक हों, उसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो इसी आधार पर संविधान में संशोधन तो होना चाहिए, लेकिन बड़बोलापन कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाता है, तो कई बार आपको ऊंचाई भी दे देता है। रविंद्र सिंह भाटी ने जिस प्रकार से बयानबाजी की थी, वो व्यक्ति जीता था और बड़ी भारी बहुमतों से जीता था, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन पर जुआ खेलने वाली बात आई कि उन्हें MP के पद की दावेदारी भी सौंप दी। वहीं ज्योति मिर्धा का जो व्यक्तित्व है वो बेदाग है वैसे तो, लेकिन दबंग पर्सनैलिटी है और ऊपर से नारी होने का एक बहुत बड़ा उनको एक टैग लगा हुआ है, और जिस प्रकार से नारी बंधन को लेकर बीजेपी थोड़ी सी एक्टिव है, और दूसरा क्या है, जाट कम्युनिटी के वोटों को साधने के लिए ज्योति मिर्धा से कोई बेस्ट कैंडिडेट मेरी नज़र में, बीजेपी की नज़र में कोई ऐसा था नहीं, इसीलिए उनको इंट्रोड्यूस किया। अब चूंकि हनुमान बेनीवाल केवल उस क्षेत्र के ही एक जननेता बन पाए हैं, और लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर भी खतरा सवालिया निशान पैदा करता है कि कोई व्यक्ति दल बदलने वाली स्थिति में अगर आ रहा है, इसका मतलब गठबंधन करके खतरे में है। गठबंधन करके अगर वो गया है तो कहीं ना कहीं RLP का अस्तित्व खतरे में है। देखिए, तीन सीटों की हमने बात की, अब आदिवासी इलाके की बात ना करें, जहां राजकुमार रॉत बाप से लगातार कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अंत में वो चर्चाएं विराम लग गई और वहां से राजकुमार रॉत खड़े हो रहे हैं। बांसवाड़ा में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस ने की युवा पे दाव खेला है। देखिए, राजनीति के मायने अब थोड़े से चेंज हुए हैं, क्योंकि पहले राजनीति जो होती थी वो जातिगत राजनीति हुआ करती थी और क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति की जाती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ 5-6 सालों में देखने में आया है कि विकास का मुद्दा जो है वो बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया है और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। वो अलग बात है कि वो काम करें या नहीं करें, वो अलग बात है, लेकिन बात तो वो कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि महेंद्र सिंह जिस मालवीय जी की जो छवि है और इधर इनकी राजकुमार जी की जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं बराबर सी है, तो सीट तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर वाली स्थिति पैदा करती है। लेकिन मैंने कहा कि कई बार गौण मुद्दे हो जाते हैं लोकल, और कई बार बड़े जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल छुप जाते हैं। कई बार व्यक्तिगत छवि के आधार पर भी इलेक्शनों में जीत हार का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट को। तो लोकसभा चुनाव है, इस बार देखिए कुछ ऐसी राजनीतिक परिकल्पनाएं या कपोलें पैदा होंगी जो राजनीति के लिए कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में उभर के आएंगे। मेरा अंतिम सवाल, पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है कि दो चरणों में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है इन सीटों पर, या बीजेपी हावी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि अभी जो आज की जो हालात बने हुए हैं इस समय पर हालातों के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के पास में मुद्दों के नाम पर अपनी अलग अलग बातें हैं। यानी बीजेपी तो क्या है कि 370 और राम मंदिर के मुद्दे को बुनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर नारी शक्ति को लेकर भी वो थोड़े आशान्वित हैं। वहीं दूसरी ओर क्या है, कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई बीजेपी ने ED को CBI को एक अपने ये तंत्र है
लेकिन इसको एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यानी कि उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस तरह से तो नहीं हो रहा है, बल्कि व्यक्तिगत द्वेष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना संविधान पर कई बार सवालिया निशान तो पैदा करता ही है, और उससे भी बड़ा सवालिया निशान तब पैदा होता है कि जब मुख्यमंत्री जेल में है और फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो ये दूसरा एक संविधान के अंदर लोकशीलता वाली बात पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, और संविधान में संशोधन होना लोकतंत्र के रक्षा के लिए भी आवश्यक है, और कहीं ना कहीं राजनीति में गंदगी नहीं पैदा हो, राजनीति में विकृतियां नहीं आए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अमित व्यास जी। देखिए, चुनावी तस्वीर है वह लगातार साफ होती जा रही है। राजस्थान में दो चरणों में चुनाव होंगे, पहला चरण 19 अप्रैल को होगा तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। पिछले 10 सालों से लगातार जीत का परचम फहराने वाली बीजेपी की चिंताएं इस बार बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2 से 3 सीटें उनकी झोली से झिटक सकती हैं। तो वहीं अन्य सीटों पर भी मुकाबले हैं, वह काफ़ी रोमांचक रह सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तमाम अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी नगरी।